जय हिंद वंदे मातरम साथियों, अत्यंत दुखद खबर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रेवतीपुर थाना क्षेत्र के नवली गांव निवासी व बीएसएफ के 19वीं बटालियन में तैनात जवान विनोद कुमार पांडे, जिनकी उम्र 39 वर्ष थी, वे बीते देर रात्रि को असम के गुवाहाटी के कमांड अस्पताल में इलाज के दौरान वीरगति को प्राप्त किया है। जैसे ही इस हादसे की सूचना गांव व परिजनों को दी, वहां कोहराम मच गया। वहीं गांव में घटना के बाद से ही सन्नाटा पसरा हुआ है। परिजनों के मुताबिक तो मृत जवान का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव पहुंचा है। पार्थिव शरीर बीएसएफ के विशेष वाहन से उनके पैतृक गांव सड़क मार्ग से होते हुए पहुँचा है। वह साथ में बीएसएफ के सैन्य अधिकारी भी मौजूद है। जवान के छोटे भाई सचिन कुमार पांडे ने बताया कि विभागीय अधिकारियों के मुताबिक 14 दिसंबर को बीएसएफ में तैनात उनके बड़े भाई ऑन ड्यूटी पोल पर चढ़कर कुछ काम कर रहे थे कि अचानक ऊपर से असंतुलित होकर जमीन पर गिर पड़े, जिसके तुरंत बाद जवानों व अधिकारियों ने उनके भाई को घायल अवस्था में कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका बीते रविवार की देर रात्रि को इलाज के दौरान निधन हो गया। जवान का पार्थिव शरीर आज पैतृक गांव पहुंचा है, जहां पूरे राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। जवान के छोटे भाई ने बताया कि बीते नवंबर माह में उनके बड़े भाई, जिनकी ससुराल बिहार के आरा जिले में मिश्रावली शाहपुर में एक शादी समारोह में आए हुए थे, छुट्टी समाप्त होने के बाद वो दिसंबर माह में के पहले हफ्ते में अपनी पत्नी नीतू पांडे, माँ आशा देवी दो छोटे बच्चों के साथ वे तैनाती स्थल पर साथ लेकर गए थे। जवान के छोटे भाई ने बताया कि वो अपने 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके 2 बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, जबकि 5 भाइयों में अन्य 4 भाई विभिन्न जगहों पर प्राइवेट क्षेत्र में काम करते हैं। आज जैसे ही इनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा तो हजारों लोगों ने भारत माता के जयकारों के बीच उनके पार्थिव को निवास स्थान पहुँचाया, जहाँ शहीद परिजनों ने अंतिम दर्शन किए। वहीं स्थानीय शासन प्रशासन के लोगों ने शहीद के पार्थिव पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तत्पश्चात सैन्य अधिकारियों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर मां भारती के लाल को नमन किया है। वहीं आज इनको अंतिम विदाई दी गई और इनके पार्थिव को पंचतत्व में विलीन किया गया। छोटे भाई ने बताया कि उनके पिता कृष्णानंद पांडे, जो रेलवे में कार्यरत थे, उनका निधन पहले ही हो चुका है।